हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का योनि किसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने जो इसी चैनल पे क्या कहते थे 11 क्लास की जो इकोनॉमिक्स होती है उसको भी स्टार्ट कर दिया था, और जो मैंने आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे थे, तो बुक हमारी क्या थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थी, वैश्विक अर्थशास्त्र। और उसके हमने लगभग जो 3 चैप्टर को पूरे डिटेल में कवर कर लिया था, और इसके अलावा जो हमारे जो पार्ट्स थे चैप्टर नंबर जो 4 था उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा, उसमें भी हमने लगभग क्या होता है कि जो वहाँ पर 3 पार्ट्स को कवर कर लिया। तो फाइनली क्या है कि आज जो आपकी वीडियो आई है इसमें हम आपके सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीडियो की इस चैप्टर की क्यों, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी, मतलब हमने 4 पार्ट्स में पूरी वीडियो का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे मतलब इस मतलब फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरा क्या करिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी करें, ताकि आपके फ़ोन पे फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट नंबर 3 था उसमें हमने पढ़ा गया था, ताकि हम दोबारा वहीं से कनेक्टेड हुए आपके सारे टॉपिक के साथ। तो पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बजट रेखा क्या होती है, ठीक है, बजट सेट क्या होता है उसका हमने समीकरण देखा था, और बजट बजट मतलब बजट सेट का समीकरण हो गया बजट रेखा का, और हमने डेफिनेशन और कुछ डायग्राम्स को भी हमने वहाँ पर कवर किया था। तो आप लोग उस चीज़ को भी देख सकते हो, और आप लोगों को लास्ट में मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या। इसमें बेसिकली हमें 2 टॉपिक्स पढ़ना है, और ये 4th पार्ट है, इसी पार्ट में हम क्या कर देंगे इस चैप्टर को भी पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो इसमें क्या टॉपिक पढ़ना है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है बजट रेखा में खिसकाव। अब खिसकाव का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होना। क्या होना, शिफ्ट होना, सिंपल जी बात है, जैसे कि अगर मैं इसी व्हाइट बोर्ड को उठा के कहीं और लगा दूँ तो वो क्या होगी हमारा शिफ्टिंग होगी, क्या होगी वो शिफ्टिंग। अब जैसे कि मैं अगर इधर से आप इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनना कि बजट रेखा जो होती है कैसे शिफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बजट रेखा में जो खिसकाव आता है ना, ठीक है, जो खिसकाव आता है वो 2 बेस के मतलब 2 कारण से आता है। पहला कौन सा कारण है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। क्या समझना, जैसे पहला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, और दूसरा क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर को करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो अब हमें देखना है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मतलब जो बजट रेखा में कैसे परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना ध्यान से, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल जो बजट रेखा है वो क्या है, ए बी है। क्या है बजट रेखा, मतलब जो शुरुआती हमारी जो बजट लाइन है वो क्या है, ए बी है। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, इतना लॉजिकली अगर आप समझिए कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, समझना ऐसे कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो हमारे खर्चे होते हैं ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी क्या होंगे, ऑटोमेटिक। आप मतलब ना चाहते हुए भी कि आप खर्चा ना करो, लेकिन ऐसा ही कह सकते हो कि ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर व्यक्ति इनकम लगातार बढ़ रही तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चे होंगे, वो भी ऑटोमेटिक क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा बजट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सिंपल बात है कि जब हमारी आय में वृद्धि होगी तो जो हमारी बजट लाइन है ना, मतलब जो हमारी बजट लाइन कौन से इनिशियल वाली क्या आती है, ए बी, वो कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, ए वन और बी वन पे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट हुई है, क्योंकि हमारे जो इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। दूसरा हमें देखना है कि जब हमारी इनकम कम होगी, अब सिंपल बात है कि जब हमारी इनकम कम होगी तो हम अपनी जो नीड्स होगी, जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या कम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो जब हमारे इनकम कम होगी, जब हमारी आय कम होगी तो हम क्या करेंगे, कम से कम मतलब उपभोग करना चाहेंगे, तो हमारी बजट क्या होगा, वो ए बी से शिफ्ट होगा, कहाँ पर, ए टू और बी टू पे, जैसे यहाँ पर लाइन में आपको ड्रॉ। ये क्या, इनकम में जब हमारी वृद्धि होगी तब शिफ्ट होगा, जैसे हमारी इनकम कम होगी तो जो बजट लाइन है ए बी, वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ए टू और बी टू पर। तो ये चेंज आया हमारे बजट लाइन में किसके कारण, चेंज इन इनकम के कारण। अब हमें दूसरा देखते हैं कि दूसरा कैसे हो सकता है, सिंपल बात है कि जो बजट लाइन बनती है वो 2 बेस पर बनेगी, कौन कौन से, एक आपका 2 वस्तु होती है, एक एक्स वस्तु, दूसरा क्या मतलब वाई वस्तु। तो हमें 1 बाय 1 समझना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो हमारी नीचे क्या एक्स वस्तु है और यहाँ पर वाई वस्तु, तो अगर वाई वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, क्या कह रहा हूँ मैं,
अगर मान लेते जैसे कि मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर हमारी वायु वस्तु, अगर इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो आप सोचो कि मैं इसको कम खरीदूंगा कि ज़्यादा खरीदूंगा, लॉजिक लगाइए। तो क्या होगा, सिंपल बात है, मैं इसको कम खरीदूंगा। जैसे मतलब क्या होगा कि अगर वस्तु आए, मतलब हमारी जो एक्स वस्तु है, अगर उसकी कीमत ज़्यादा होती है तो हमारी जो बजट लाइन होगी क्या होगी, वो लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर बजट लाइन मतलब ए बी से क्या आ जाएगी, ए टू बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए टू। क्यों हुई, क्योंकि हमारी जो एक्स जो वाई वस्तु थी उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। इसके सेम अपोजिट आप कह सकते हो कि जब हमारी वाई वस्तु होगी अगर उसकी कीमत घट जाती है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारी टेंडेंसी है कि अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो हम उसको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारी मतलब कोई वस्तु अगर उसकी कीमत घटती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदने से हमारी जो बजट लाइन है वो क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, मतलब ए बी से क्या हो जाएगी, ए वन और बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए बी से ए वन बी हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी, चेंज इन, मतलब जब किस में चेंज होता है, वस्तु वाई की कीमत में। दूसरा हमारा क्या कह रहे हैं, वस्तु मतलब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब सिंपल जी बात है, वही लॉजिक लगाइए कि जब एक्स वस्तु आपको महंगी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एक्स वस्तु की प्राइस बढ़ती है, तो आप उसको ऑब्वियस बात है उसको कम खरीदोगे। तो जब कम खरीदोगे तो जो आपकी बजट मतलब बजट लाइन होगी ए बी, वो कहाँ शिफ्ट होएगी, ए बी टू पे। क्यों, क्योंकि एक्स वस्तु की जो प्राइस थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा क्या, जब आपको एक्स वस्तु मतलब जो एक्स वस्तु की कीमत अगर आपको सस्ती होगी, मतलब एक्स वस्तु जो थी आपकी उसकी प्राइस कम होगी, तो कम होते क्या करेंगे, हम उस वस्तु को ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। तो हमारी जो बजट होगा क्या हो जाएगा, वो ए बी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए बी वन पे। कहाँ पर, ए बी वन पे। तो ये दो कारण से क्या होता है कि जो हमारी बजट लाइन होती है वो क्या होती है, उसमें चेंज आता है, बजट लाइन में खिसकाव आता है। ये टॉपिक होगा, और जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, आप वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये जो हमारे इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है क्या है, तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन। आप इसको ऐसे क्वेश्चन को भी मतलब समराइज कर सकते हो कि तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए, क्या क्या मतलब कंडीशंस होंगी जहां पर तटस्थ वक्र के रूप में एक उपभोक्ता संतुलन रहेगा। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशंस है। पहला क्या, सीमांत प्रतिस्थापन दर। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके हमारी इससे पहले की वीडियो में आप उसको देखें, मैंने पूरे डिटेल में बता रखा कि MRS होती क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो मैंने बता रखा। पहले क्या कंडीशन है कि जो MRS होनी चाहिए ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, कि जो एक्स वस्तु की कीमत है और वाई वस्तु की जो कीमत है ना, उसके इक्वल टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये क्या है, कंडीशन है। तो हमें अगर कोई चीज़ को फॉलो करना है तो उस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, मान के चलना होगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के और उन्तोदर होना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्तोदर, उन्तोदर का मतलब होता है कॉन्वेक्स। क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारा कोई जो कर्व होता है वो क्या होता है कि जो ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन जो पॉइंट होता है उसके निकट आता है, उसके करीब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका तटस्थ वक्र मूल बिंदु के और उन्तोदर होना चाहिए, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अब हमें समझना, ध्यान से यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम में देखो मैंने यहाँ पर एक्स वस्तु को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर वाई वस्तु को, ठीक। एक हमारी बजट लाइन है, क्या नाम है, ए बी है। अब यहाँ पर हमारे जो IC कर्व बने हैं, IC1, IC2 और IC3। तो यहाँ पर हमें नोटिस करना है, ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर एक बजट मतलब जो IC कर्व IC2 वो बजट रेखा को कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, पॉइंट मतलब जो पॉइंट बने बी प्लॉट के है पी, उस पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि आपकी जो बजट लाइन, ठीक है, वो और जो तटस्थ मतलब बजट रेखा क्या है वो, ठीक है, और जो आपका IC का वो क्या हो रहा है कि वहाँ पर उसको स्पर्श कर रहा है। तो ये क्या होगा कि ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों कंडीशंस, यहाँ देखो कंडीशन भी पूरी हो रही है, ठीक है, मतलब तटस्थ जो मूल बिंदु को नतोदर भी उन्तोदर भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बजट रेखा क्या हो रही है, मतलब जो IC कर्व है वो क्या कर रहा है, बजट रेखा को स्पर्श भी कर रहा है। मतलब कि इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस पॉइंट पर क्या हुआ कि दो मतलब एक उपभोक्ता है वो क्या है, पूरी तरह से संतुलन में, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, उपभोक्ता संतुलन बिंदु, किस रूप में, तटस्थ वक्र की सहायता से। सो आई होप कि आपको ये लास्ट भी वीडियो आपको अच्छे से कवर हो गया, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लस में आप लोग बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि आपको फ़ोन में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हो आपके फ़ोन पर मिले और आप वीडियो को वहाँ पर देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।